ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम। यहाँ पढ़ने वाले हैं वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस, रास्टर स्कैन सिस्टम, रैंडम स्कैन सिस्टम, ग्राफिक्स मॉनिटर एंड वर्क स्टेशन, एंड लास्ट में इनपुट डिवाइसेस। तो अगर मेरे ये पांच पॉइंट हो जाए, पांच जो टॉपिक है हो जाए, तो मतलब मेरा यूनिट वन कम्प्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। तो यहाँ पे दो टाइप बनते हैं, एक बनता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले और नेक्स्ट है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। अब यहाँ पे रास्टर स्कैन सिस्टम और रैंडम स्कैन सिस्टम ऑलरेडी गिवन है, लेकिन ये दोनों अलग है, ठीक है। तो ये डिवाइस में दो बातें हैं जो पढ़ने वाले हैं और इसके लिए अलग टॉपिक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में रास्टर स्कैन सिस्टम को एक्सप्लेन करने बोले तो इसका आंसर ये नहीं लिखोगे, आप डिस्प्ले नहीं लिखोगे, इसका आंसर अलग आता है, इसका अलग आता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आज हम पढ़ेंगे रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो फर्स्ट हम वीडियो डिस्प्ले डिवाइस एक्चुअली होता क्या है। तो आपको जिसे पता है कि प्राइमरी हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्या है, वीडियो मॉनिटर है। तो जो ऑपरेशन है, जो जिस तरह से वीडियो मॉनिटर वर्क करता है, एक्चुअली अभी का नहीं पहले का, तो वो काम करता था सीआरटी बेस पे। सीआरटी मीन्स कैथोड रे ट्यूब बेस स्टैंडर्ड पे काम करता था। और भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि अभी एलसीडी है और एलईडी यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये भी है। लेकिन जो पहले के टीवी थे, जो ब्लैक एंड वाइट अगर आपने देखा होगा, वो कलर भी थे, तो उस पर सीआरटी यूज़ करते थे। अब देखते हो कि सीआरटी काम कैसे करता है। तो देखो, एक्चुअली इस टाइप की टीवी आती थी सीआरटी की, तो उसके इनसाइड का ग्राफ कुछ ऐसी बनता है। तो यहाँ देखिए एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा इस डायग्राम को। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरे कनेक्टर पिन से, जहाँ पर मैं इनपुट सिग्नल लूँगा, मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल पावर सप्लाई से। फिर यहाँ पे बेस है उसको होल्ड करने के लिए। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन दिया है और ये फोकसिंग सिस्टम है और ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल और ये मेरा स्क्रीन का एंड पॉइंट। तो स्क्रीन के एंड पॉइंट में फॉस्कोट, ये एक्चुअली फॉस्फर कोटेड स्क्रीन है, ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फॉस्फर कोटेड स्क्रीन रहती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन की गन से, जब इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है यहाँ से और फोकसिंग सिस्टम से और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल से, हम एक्चुअली कहाँ पे फोकस करना है, किस पार्ट पे इसको ड्रॉ करना है, वहाँ फोकस करेंगे। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन बीम उस पर्टिकुलर एरिया पे हिट होती है फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पे, तो यहाँ पे एक स्पार्क क्रिएट होता है, एक लाइट का स्पार्क आपने देखा होगा, एक छोटा सा। उस स्पार्क से क्या होता है कि एक लाइट क्रिएट होती है, जिससे आप ऐसे बोल सकते हो कि एक इमेज हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा मेन कंसेप्ट यही है, जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पे हिट होती है तो एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस स्पार्क को बार बार क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे बार बार उस इमेज को ड्रॉ करना है। इसलिए मैं क्या करना है, मुझे कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को बार बार उसी एरिया पे हिट कराना है। तो इसलिए उसका नाम दिया है रिफ्रेश सीआरटी। मीन्स क्या कर रहे हैं, हम उसको बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब। तो ये तो उसको वर्किंग समझ गया आप, कैसे काम करता है ये। इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद में फोकसिंग सिस्टम से और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल से उसको किस पर्टिकुलर पॉइंट फोकस कराना है, ये होगा डिसाइड। उसके बाद में आप फोकस कराएंगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे हीट होगा। हीट करने से क्या होगा, एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट होगा, ठीक है। इससे एक लाइट का क्रिएट, एक इल्यूशन क्रिएट होगा वहाँ पे। तो ये हमारा टॉपिक, ये इसमें ये समझाया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया किस तरह से स्क्रीन इमिट होती है, किस तरह से यहाँ पे स्पॉट ऑफ लाइट क्रिएट होता है। अब क्योंकि लाइट बहुत जल्दी ही इमिट फेड हो जाती है, इसलिए मुझे बार बार उसे हिट करना पड़ता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, रिफ्रेश सीआरटी कहा गया है। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, मतलब एक्चुअली इस इमेज का एक सिंपल इंट्रो बताया हमने कि इस इमेज में हो क्या रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका इनसाइट, जो ये वाला पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉन गन का, ये वाला इसका इनसाइट पार्ट देखते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। तो प्राइमरी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन गन इसका सीआरटी का, तो देखिए कैसी होता है। सबसे पहले यहाँ पे हीटिंग फिलामेंट है। अब जैसे मैंने पावर केबल, तो मैंने पावर सप्लाई कर तो लिया है, लेकिन
इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे कुछ गर्म करने के लिए चाहिए, कुछ हीटिंग। तो यहाँ पे हीटिंग फिलामेंट है, कोई अपन कॉइल ऑफ वायर है जो अभी हम यूज़ करते, सपोज अगर आपने यूज़ किया होगा पानी गर्म करते उसमें तो रहता है। तो यहाँ पे ये हीटिंग फिलामेंट है, यहाँ पे इससे उस हीट क्रिएट होगी। बाद में ये कैथोड है, तो इससे क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज आयन क्रिएट होगा, ठीक है। बाद में जो हमारा कंट्रोल ग्रिड है, फोकसिंग एनोड है, एक्सलेटर एनोड है, तो इसे क्या क्या करता है, ये कंट्रोल ग्रिड से जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा यहाँ पे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्रिएट होंगे, उसको एक जगह पे उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट जब फोकसिंग एनोड में क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक पर्टिकुलर बीम में कन्वर्ट करेगा, जिससे हम उसे फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर हिट कर पाए। नेक्स्ट एक्सेलेटिंग एनोड क्या करेगा, उसे एक्सेलेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, बाद में वो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर हिट कर पाए। और ये मेरी इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक कंस्ट्रक्शन है, कैसे काम करेगा। फर्स्ट मेरा हीटिंग फिलामेंट है, यहाँ से हीट क्रिएट से क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आयन क्रिएट होंगे जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाद में फिर यहाँ पे ये अलग अलग ग्रिड दिया हुआ है, इसमें कंट्रोल करेगा, यहाँ पे फोकस करेगा उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद में फिर उसे एक्सेलेट करके उस कंट्रोल का किस पॉइंट पे हिट कराना है हमारे स्क्रीन पे, वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ मैंने यही एक्सप्लेन करा इस पॉइंट में। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, जैसे एग्जांपल मुझे इंटेंसिटी, मतलब मुझे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली मुझे उसका वोल्टेज सेट करना पड़ेगा। अगर मुझे इंटेंसिटी या उसके ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, कम है तो मुझे वोल्टेज कम करना पड़ेगा। फिर उसका रिजोल्यूशन जो रहता है सीआरटी का, वो मैक्सिमम अगर एचडी क्वालिटी का है तो 112/80 to 1024 रहता है इसका मैक्सिमम हाई रिजोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बिना ओवरलैप किए कितने पिक्सल रह सकते हैं इन हॉरिजेंटल में और इन वर्टिकल में। तो ये हॉरिजेंटल का है और ये वर्टिकल का है, मतलब कि जितने पिक्सल बिना ओवरलैप किए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में रह सकते हैं, इसे कहते हैं हम रिजोल्यूशन। नेक्स्ट मेरा है एस्पेक्ट रेशियो, आपने नाम सुना ही होगा, हम नेचुरली 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो लेते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे मॉनिटर पे जो इमेज या जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ उसके लिए मुझे 4 डॉट्स लग रहे हैं सपोज यहाँ पे, तो वही वर्टिकल ड्रॉ करने के लिए मुझे 3 लगने वाले हैं, ठीक है। जैसे मुझे लाइन, जैसे एग्जांपल इस लाइन की लेंथ सपोज 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 4 पिक्सल लगे यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। तो सेम लेंथ की लाइन अगर मुझे वर्टिकली ड्रॉ करना है तो मुझे 3 पिक्सल लगने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा है एस्पेक्ट रेशियो। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है रिफ्रेश सीआरटी का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैंडम स्कैन सिस्टम और रास्टर स्कैन, सॉरी रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा जो पढ़े हमने, आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो उसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास लेंगे, वहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।